चलो जी देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, बाय मिस्टेक में एग्जाम्पल नंबर 5 कह गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, सॉल्व ग्राफिकली ट्वाइस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। सिस्टम ऑफ क्या दिया हुआ है, लीनियर इनइक्वालिटी, नॉट इक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, ट्वाइस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 एंड 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो लिखिएगा सोल्यूशन फॉर दिस। ठीक है ना, सोल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, गिवन गिवन इन इक्वेशंस, ठीक है, गिवन इन इक्वेशंस आर, गिवन इन इक्वेशंस आर क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है यहां पे, ट्वाइस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, ट्वाइस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, एंड यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y। ठीक है, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो इसको दे दीजिएगा आप रेफरेंस नंबर 1 और इसको हम दे देंगे यहाँ पे रेफरेंस नंबर 2। ठीक है ना, तो ये जो इनइक्वालिटीज आपको दी है इसके करस्पॉन्डिंग में लाइंस भी होगी, तो इसकी करस्पॉन्डिंग लाइन क्या होगी, है ना, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लाइन्स आर, करस्पॉन्डिंग लाइन्स आर। ठीक है, तो ये जो ट्वाइस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 दिख रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग में लाइन क्या होगी, ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, है ना, क्या होगी, ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। और ये जो 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12 दिख रहा है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग में लाइन क्या होगी, ठीक है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12, है ना, क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 है, दिस आर द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस टू द टू पॉइंट्स, है ना, ये इस प्रकार के लाइन के इक्वेशन है जो दो पॉइंट से होकर गुजरते हैं। तो इन इक्वेशंस का यूज करके हम लोग पहले क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, तो ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, पहले हम इस लाइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि ये लाइन जो है दो पॉइंट से होकर गुजरती है, तो मान लो इसमें का कोई एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट जो है वो बी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्स, ये होता है आपका वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका जो लाइन का इक्वेशन है वो क्या है, ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो हमें पता है अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम वाई जीरो पुट कर देते हैं, तो वाई का वैल्यू अगर आप जीरो रख दोगे तो देखो यहाँ पे ट्वाइस एक्स प्लस जीरो कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, और यहाँ पे 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 3, क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3। तो जब आपने वाई की वैल्यू जीरो रखी, एक्स की वैल्यू आपको क्या मिली, यहाँ पे 3 मिल गई। ठीक है, वैसे ही, ठीक है ना, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही जब आप, ठीक है, वैसे ही जब आप यहाँ पे x की वैल्यू जीरो रखेंगे, है ना, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो आपको क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी ना, क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। और y की वैल्यू अगर आपने x की वैल्यू जीरो रख दी तो यहाँ पे देखो 0 इंटू 2 जीरो हो जाएगा और y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू आपको यहाँ पे 6 मिल जाएगा। तो जब आप x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। ठीक है, तो देयरफॉर a के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट इज 3, y कोऑर्डिनेट इज 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3, 0। यहाँ पे देखो b में कोऑर्डिनेट्स क्या है ना, y x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 6 है, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, 6। ठीक है, सो देयरफॉर a ऑफ 3, 0, ठीक है, 3 ऑफ 3, 0 एंड b ऑफ 0, 6, ठीक है, b ऑफ 0, 6 आर द पॉइंट्स, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन। ठीक है, किस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स है, ये ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, है ना, किस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स है, ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, सो देयरफॉर प्लॉट, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट द पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी ऑन ग्राफ, ए एंड बी एंड ग्राफ ऑन ग्राफ एंड जॉइन देम, जॉइन देम बाय। ठीक है, देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी किस टाइप की है आपकी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, मतलब ये क्या है, स्लैक इनइक्वालिटी। और स्लैक इनइक्वालिटी में हम लाइन कैसे निकालते हैं भाई साहब, थिक लाइन निकालते हैं। ठीक है ना, तो जॉइन देम बाय अ थिक लाइन, है ना, किससे ज्वाइन करेंगे आप उसको, थिक लाइन से बनाएंगे। ठीक है ना, थिक लाइन से उसको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि देखो आपको पता है कि ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। ठीक है ना, क्या होना चाहिए आपका, एक्स एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सा आप स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। ठीक है ना, क्या बनाइएगा, स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, तो ये होगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है ना, और ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कितना है, सिक्स है, तो हम लोग सिक्स तक पॉइंट्स लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका वन, ठीक है, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, ये होना चाहिए आपका फोर, ये होना चाहिए आपका फाइव, और ये क्या हो जाएगा आपका सिक्स, और यहाँ पे आप ले सकते हो सेवन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप ले लो, है ना, ये हो जाएगा आपका वन, ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए आपका टू, ये क्या हो जाएगा आपका थ्री, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका फोर, ये क्या होना चाहिए फाइव, और ये क्या हो जाएगा आपका सिक्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगा सिक्स। अब देखो ये पॉइंट ए एंड बी को हम इसके ऊपर प्लॉट करेंगे, तो पॉइंट ए क्या कह रहा है, थ्री कॉमा जीरो, मतलब इसका एक्स को वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है ना, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट है थ्री है, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो कहाँ पे होता है, ऑन द एक्स एक्सिस पे होता है ना, वाई कोऑर्डिनेट जीरो कहाँ पे होता है, ऑन द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के ऊपर थ्री हमें कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, इसको हम दे देंगे नाम ए, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, थ्री जीरो है, ठीक है। तो वैसे ही, ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पे आप देखो, ठीक है, बी कॉमा, ठीक है, बी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, बी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, जीरो सिक्स है, तो आप देख सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, और एक्स कोऑर्डिनेट हमारा जीरो कहां पे होता है, वाई एक्सिस के ऊपर जीरो होता है, और यहां पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, सिक्स, तो देखो वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के ऊपर आपको सिक्स कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका पॉइंट, इसको नाम दे देंगे हम बी, है ना, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, जीरो कॉमा सिक्स, ठीक है ना, कितने हैं, जीरो कॉमा सिक्स, ठीक है। यहां पे ये जो है ना, इसको आप वाई एक्सिस लिख देना, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये होता है आपका वाई डैश, ये होता है आपका एक्स डैश, ठीक है। तो दो पॉइंट्स आपको मिल गए, अब इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, लाइन बना देंगे, ठीक है ना, क्या बनाएंगे हम, लाइन बना देंगे, सो ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है बाय यूजिंग अ स्केल, आप बरोबर प्रॉपर स्केल स्ट्रेट लाइन बनाना, मेरी तो नहीं आएगी, ठीक है ना, है ना, तो आप बरोबर स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, ठीक है, तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, ठीक है, इसका इक्वेशन हमने क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, 2x plus y is equal to 6, है ना, कितना है 2x, है ना, कितना है 2x plus y is equal to 6, ठीक है, तो ये लाइन हमने बना दी, ठीक है। अब दूसरी लाइन के ऊपर हम बात करेंगे, दैट इज 3x plus 4y is equal to 12, है ना, लिखिएगा इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा कि ऑन द लाइन, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा यहां पे आगे बढ़ा लो ऐसे, ठीक है ना, ठीक है, इसको आप ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना, ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आप बरोबर स्केल से ड्रॉ करिएगा तो आपका एकदम प्रॉपर स्ट्रेट लाइन आएगा, मेरा नहीं आ रहा यहां पे बिकॉज ऑफ दी, मैं यहां पे स्केल यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, देन देखो यहाँ पे 3x plus, सॉरी नेक्स्ट लाइन हमारा क्या है, 3x plus 4y is equals to 12, इसके बारे में हम बात करेंगे, ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन 3x plus 4y is equals to 12, 3x plus 4y is equals to 12, तो जैसे कि हमें पता है कि 3x plus 4y is equals to 12 is a equation of line जो दो पॉइंट से होकर गुजरती है, तो मान लो उसमें का कोई एक पॉइंट C है और दूसरा पॉइंट जो है वो D है, तो हम क्या करेंगे, C एंड D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे, बाय पुटिंग x is equals to 0 एंड y is equals to 0, तो भाई साहब जब आप y की वैल्यू जीरो रखते हो तो आपको क्या मिलता है, x कोऑर्डिनेट मिलता है, तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू अगर आप जीरो रखेंगे तो जीरो इंटू फोर इज जीरो, तो क्या मिलेगा आपको, 3x is equals to 12 मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, 3x is equals to 12, and 3x is equals to 12 क्या मतलब 3 को उधर शिफ्ट कर दिया तो आपको x is equals to कितना मिल जाएगा, 4, कहने का मतलब क्या है कि जब हम y की वैल्यू जीरो रखते हैं तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 4 मिलती है, वैसे ही, है ना, वैसे ही जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी, तो अगर मैंने x की वैल्यू यहां पे 0 रख दी तो 0 into 3 is 0, 0 plus 4y कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, और यहां पे is equals to कितना है, 12, तो 4y is equals to 12 का ही मतलब क्या होता है, y is equals to 12 by 4, और 12 by 4 कितना हो जाएगा, 3, तो आपको y is equals to कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मैंने x की वैल्यू 0 दी तो y ने मुझे क्या दिया, 3 दे दिया, है ना, y ने मुझे क्या दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है। सो देयरफॉर पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 4 0, x कोऑर्डिनेट इज 4, y कोऑर्डिनेट इज 0, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 3, x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 3, ठीक है। तो लिखिएगा पॉइंट, ठीक है, सी ऑफ 4 0, ठीक है, एंड डी ऑफ 0 3 आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, किस लाइन के पॉइंट से ये, 3x plus 4y
इज इक्वल टू 12, है ना, किस लाइन के पॉइंट से ये 3x plus 4y is equals to 12, ठीक है। सो देयरफॉर क्या करेंगे हम, प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है ना, प्लॉट द पॉइंट्स C and D on the graph and join them by, किसे join करेंगे हम उसे, by a thick line, है ना, by a thick line. Why it is thick line? Because inequality हमारा क्या है, slack है, तो जब भी slack inequality आएगा, line हम कैसे बनाएंगे, thick बनाएंगे, और अगर strict आता है तो dotted line बनाएंगे, ठीक है ना, join them by a thick line, ठीक है। तो यहाँ पे देखो C40, देखो 40 आपको दिख रहा है, और अगर 40 के बारे में आप बात करो तो यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट आपको 0 दिख रहा होगा, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपको कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, ऑन द x एक्सिस पे 0 होता है, तो देखो x एक्सिस पे 4 कहीं पे आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट, है ना, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, ठीक है। तो इसको लिखिएगा दैट इज इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है हमारा, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 4, 0, और ये जो पॉइंट है इसका नाम हमने दिया हुआ है सी, है ना, क्या नाम दिया हुआ है, सी नाम दिया हुआ है, ठीक है। देन पॉइंट डी की तरफ आप ध्यान दो, अगर आप देख सको तो आपको दिख रहा होगा डी ऑफ 0, 3 में एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, y एक्सिस के ऊपर 0 होता है, तो देखो y एक्सिस के ऊपर हम देखेंगे, और y एक्सिस के ऊपर 3 आपको कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, तो यहां पे आप ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है इसको नाम दे देंगे d, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट्स इसके 0, 3, ठीक है। तो ये जो पॉइंट दिख रहे डी एंड सी, इसको ज्वाइन करने वाली हम एक लाइन बना देंगे ऐसी, ठीक है ना, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हम ऐसी लाइन बना देंगे, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिल गई ऐसी, ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी लाइन, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए, दैट इज क्या हो जाएगा, 3x plus 4y is equals to 12. तो दो लाइन तो हमने बना दी, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस के ऊपर से इन इक्वालिटीज का सोल्यूशन रीजन डिसाइड करेंगे, है ना। तो देखो अब यहां पे ना आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना, यहां पे आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। तो जैसे कि मान लो अगर मैं यहां पे ये पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है ना, तो जैसे कि मान लो अगर हमने यहां पे कोई ये पॉइंट कंसीडर किया, है ना, इस पॉइंट को अगर हमने कंसीडर किया, ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दूं मैं पी, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 4, 1 बनेंगे, है ना, क्या बनेंगे, 4, 1 बनेंगे। अब ये जो पॉइंट है ना, है ना, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है 4p, ये दोनों लाइंस के अपर हाफ प्लेन में है ना। देखो अगर आप येलो लाइन को ऑब्जर्व करो, अगर आपको दिख रही होगी तो ये पिंक, अभी आप थोड़ा भूल जाओ बाकी सब, सिर्फ येलो लाइन को ऑब्जर्व करो, येलो लाइन को ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला हाफ प्लेन क्या होगा, अपर हाफ प्लेन, और ये वाला हाफ प्लेन क्या होगा, लोअर हाफ प्लेन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लोअर हाफ प्लेन। और वैसे ही अगर आप येलो लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अगर आप सिर्फ पिंक लाइन को कंसिडर करें, तो ये वाला आपका क्या होगा, अपर हाफ प्लेन, ये क्या होगा, लोअर हाफ प्लेन। और आप देख सको तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट पी है दोनों लाइन के अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है ना, कहां पे प्रेजेंट है, अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं वही आपको कंसिडर करना है, आप चाहे तो ओरिजिन भी ले सकते हो, है ना, आप चाहे तो ओरिजिन भी ले सकते हो, और आप चाहे तो लोअर हाफ प्लेन में का भी कोई पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। अभी हमने अपर हाफ प्लेन का पॉइंट कंसीडर किया हुआ है। नाउ टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन कंसीडर, ठीक है ना, कंसीडर अ पॉइंट पी ऑफ 4, 1, है ना, क्या करेंगे आप, पॉइंट पी ऑफ 4, 1 को कंसिडर करेंगे। तो अगर आप थोड़ा देखो इसमें, यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो कितना है, x का वैल्यू यहाँ पे 4 है, y का कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी में पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 की, तो यहाँ पे देखो ये इनइक्वालिटी क्या होगी, है ना, देखो x की वैल्यू हमें 4 कर पुट करनी है, तो 4 × 2 × कितना हो जाएगा, ये 4, 2 × 4, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, प्लस y, y का वैल्यू कितना है 1, और ये साइन क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो अगर आप देख सको तो आपको दिख रहा होगा 2 × 4 + 1, है ना, 2 × 4 + 1 कितना हो जाएगा, 2 × 4 is 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9, and 9 is greater than equals to 6,
9 कैसा है यहाँ पे, greater than equals to 6 है, मतलब कैसा है, this statement is true, है ना, ये क्या है, true statement है, और अगर ये true है, इसका मतलब क्या है कि जो point हमने consider किया था, वो इस inequality को satisfy कर रहा है, और अगर satisfy कर रहा है, तो we can say that this point is a one of the possible solution of this inequality. आ रही बात समझ में, कहानी पकड़ में आ रही है कि अगर ये पॉइंट हमने कंसीडर किया है और इस पॉइंट के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट हमने लिया है, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, और अगर पॉसिबल सॉल्यूशन है तो ये कहां पे प्रेजेंट हो जाना चाहिए, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन रीजन में प्रेजेंट होना चाहिए, है ना. तो आपका जो फिजिबल रीजन होगा वो क्या होगा, ऐसा प्लेन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट हो, है ना. आपका फिजिबल सॉल्यूशन या फिर फिजिबल रीजन जो है वह ऐसा रीजन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट हो. तो यहां पे देखो, अगर आप सिर्फ येलो लाइन को कंसीडर करो, अगर आप सिर्फ येलो लाइन को कंसीडर करो तो आपको दिख रहा होगा ये अपर हाफ प्लेन है, ये लोअर हाफ प्लेन है. पॉइंट कहां पे प्रेजेंट है, अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, मतलब हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, अपर हाफ प्लेन होगा. तो यहां पे आप ऐसी येलो लाइंस बना देना, यहां पे ये जो येलो लाइंस है वो क्या दिखा रही है आपको, फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द व्हाट, इनइक्वालिटी 2x plus y greater than equals to 6, है ना, 2x plus y greater than equals to 6, ठीक है ना, 2x plus y greater than equals to 6 के लिए आपको फिजिबल सॉल्यूशन दे रही है, ठीक है ना. किसके लिए सॉल्यूशन दे रही है, फिजिबल सॉल्यूशन फॉर 2x plus y greater than equals to 6 के लिए, ठीक है. अब ये हो गया किसका सॉल्यूशन, किसका फिजिबल सॉल्यूशन हो गया, इक्वेशन नंबर इनइक्वालिटी 1 का. यहां पे लिख देना आप ऐसे, ठीक है, यहां पे लिख देना फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल solution is the plane containing p of 1, ठीक है, p of 4, 1, है ना, containing the point p of 4, 1, ठीक है. वैसे ही अगर हम ये पॉइंट की वैल्यूज इनइक्वालिटी 2 में रिप्लेस कर दे तो देखो क्या मिलेगा आपको, इनइक्वालिटी 2 विल इंप्लाइज, ठीक है ना. हम ये देखना है कि ये पॉइंट क्या इनइक्वालिटी 2 को भी सेटिस्फाई करता है. तो देखो यहां पे आप इनइक्वालिटी 2 में अगर आप x की जगह पे 4 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 4, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, 4 × y, y का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 4 × 1, यहां पे साइन क्या है आपका, लेस और इक्वल्स टू 12. तो यहां पे आप देखो 3 × 4 = 12, प्लस 4 × 1 = 4, लेस और इक्वल्स टू 12, और 12 प्लस 4 कितना होता है, 16, 16 इज लेस और इक्वल्स टू 12. क्या ये पॉसिबल है, 16 जो है वो 12 से लेस होता है, नहीं होता है, तो ये क्या है हमारा, फॉल्स हो गया. ये जो क्या हो गया, फॉल्स हो गया. और अगर फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट हमने लिया हुआ है 4, 1, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता. किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, इक्वेशन नंबर 2 की इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता. इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है वो कहां पे प्रेजेंट है, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन रीजन में प्रेजेंट नहीं है, है ना. तो देयरफॉर अगर ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब ये वन ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है, और वन ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है मतलब वो सॉल्यूशन रीजन में प्रेजेंट नहीं है. तो अब देखो, अगर आप सिर्फ पिंक लाइन को कंसीडर करो थोड़ी देर के लिए, अगर आप मुझे थोड़ा समय दो तो मैं आपको समझा सकूंगा कि अगर आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए पिंक लाइन को कंसीडर करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा अपर हाफ प्लेन है और ये क्या है हमारा लोअर हाफ प्लेन है, और ये जो पॉइंट है वो कहां पे है, इस पिंक लाइन के अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है ना, कहां पे प्रेजेंट है, अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है. लेकिन ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को, इस लाइन की इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो फिजिबल रीजन होगा वो ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो. तो ये कहां पे प्रेजेंट है, अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, किसके, पिंक लाइन के. तो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लोअर हाफ प्लेन, है ना. तो कैसे निकालेंगे आप लाइन, यहां पे इस तरीके से ये जो आपको प्लेन दिख रहा है लोअर हाफ प्लेन, ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, किसके लिए, इनइक्वालिटी 2 के लिए, है ना, किसके लिए, इनइक्वालिटी 2 के लिए. तो आप देख सकते हो, ठीक है, ये पिंक लाइन जो है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 2. येलो लाइन जो है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्यूशन लाइन फॉर द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना. और यहां पे ऐसे लिख देना, ठीक है, फॉल्स लिखने के बाद यहां पे ऐसे लिख देना फिजिबल रीजन, ठीक है, फिजिबल रीजन, ये इसके नीचे लिखना है आपको, फिजिबल रीजन is the half plane, is the half plane not containing, क्या नहीं होना चाहिए उसमें, p of
41 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, मतलब इन दोनों इनइक्वालिटीज का कॉमन सॉल्यूशन रीजन। देखो इन दोनों इनइक्वालिटीज का कॉमन सॉल्यूशन रीजन क्या है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे येलो लाइंस भी है और पिंक लाइंस भी है। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, ये क्या होना चाहिए हमारा सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। ये जो कॉमन पोर्शन है, ये दोनों का कॉमन पोर्शन है, किसके, इनइक्वालिटी वन के सोल्यूशन रीजन का और वैसे ही इनइक्वालिटी टू के सोल्यूशन रीजन का, है ना। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन रीजन या फिर फिजिबल रीजन जो हमें निकालना था, दैट इज सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है ना, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। तो ये फिजिबल रीजन मिलने के बाद, ये जो येलो लाइंस और पिंक लाइंस हमने बनाई हुई है, इस लाइन को छोड़ के और इस लाइन को छोड़ के जितनी भी येलो लाइंस और पिंक लाइंस हमने बनाई है उसको आपको रफ कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स जो है वो मिट गया, उसको फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक्स एक्सिस था, ये पॉइंट आपका 3 था और ये जो पॉइंट था ना, इसको हमने नाम दिया था ए, है ना। क्या नाम दिया था, ए दिया था। इसके पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट क्या थे, 3, 0 थे। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपको दिख रहा है सी, ये सी पॉइंट है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने थे, और यहाँ पे क्या था, 4 था, है ना। यहाँ पे कितना था, 4 था, और ये जो कोऑर्डिनेट्स थे इसके ये कितने थे, 4, 0 थे। ठीक है, तो ये जो आपका रीजन है, ये क्या हो गया आपका फिजिबल रीजन, है ना। ये क्या हो गया आपका फिजिबल रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। कौन सी इनइक्वालिटीज है, ट्वाइस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, एंड दूसरा क्या है हमारा 3x। ठीक है, 3x प्लस 4y प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12, है ना, क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 12। तो इस तरीके से जो है आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो, लिखिएगा।